तो हेलो गाइस, मेरा नाम है संजू और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्रिएशन पर। तो आज के जो वीडियो हम उसमें फेस की रिटचिंग करने वाले हैं, जिसमें आपका फेस एकदम HD रहेगा, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, ठीक है, और फुल डिटेल आपके फेस में रहेगी। तो ये वाली जो फ़ोटो है आज हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो ये वाली जो फ़ोटो में आप देख सकते हो कि फेस में कुछ भी रिटच नहीं किया गया है और फेस में कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं हुई है। तो सिंपली आपको इसमें दो ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, पहला पिक्सार्ट और दूसरा लाइटरूम। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो शुरू और ये वाली फ़ोटो करते हैं शेयर हम अपने पिक्सार्ट में। तो सबसे पहले हम पिक्सार्ट में इसका, तो ये हो गया हमारा पिक्सार्ट ओपन। और सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपकी फ़ोटो इसमें आप ऐड करते हो तो ये रिटच वाले ऑप्शन पर आपको जाना है और सिंपली आपको यहाँ से अपनी फ़ोटो को स्मूथ करना है। तो मेनली जब भी मैं फ़ोटो स्मूथ करता हूँ तो मैं स्मूथ वाले ऑप्शन पे नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ मेरे ये वाला फेस फिक्स वाला जो ऑप्शन है इस पर। तो इसमें आपको फिक्स को कर देना पूरा फुल, ठीक है, और साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और हार्डनेस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा मैं और उसका साइज़ को थोड़ा सा कम। और उसके बाद आपको मेनली फ़ोटो को करनी है जूम और इसको आपको हटा देना है, ठीक है। और फ़ोटो को जूम करने के बाद आप ऐसे कुछ इस तरीके से स्मूथ कर सकते हो और कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का यार, ये कुछ नहीं, मैं आपको अभी वीडियो में बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो मिलते हैं फेस फिक्स करने के बाद, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने हमारे पूरे फेस पे इसको कर लिया। तो आप अगर अपने हाथ को स्मूथ करना चाहते हो तो आप हाथ पे भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने कर लिया। तो ये हमारा पूरे तरीके से हो चुका है। तो आपको सबसे पहले तो ये फिक्स वाले जो ऑप्शन पर इसको आपको कम करना है, ठीक है, और जितना करना है जितना आपको फेस अच्छा खासा दिखे। तो इसको मैं सबसे कम रखता हूँ, 6 या 4 रखता हूँ, तो ये मैं कर देता हूँ 5 पे, ठीक है। तो 5 पे काफ़ी अच्छा हमारा फेस स्मूथ हो चुका है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और डिटेल भी है अभी फ़ोटो में, तो उतनी अच्छी डिटेल नहीं है पर फिर भी काफ़ी अच्छी डिटेल है। तो इसको करते हैं यहाँ से सिंपली डन, और इसके बाद हम ये स्मूथ वाला ऑप्शन इसको भी हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा नेट ऑफ है तो ऑटो वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा, तो मैनुअली ब्रश से मैं साइज़ को छोटा करके और सिंपली इसको करता हूँ स्मूथ। तो काफ़ी अच्छी हमारी फ़ोटो स्मूथ होने वाली है अभी। और उसके बाद आपको फुल डिटेल में ये मत सोचना कि यार पिक्सल फटेंगे या फ़ोटो ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और काफ़ी अच्छी आपकी फ़ोटो रहेगी और डिटेल भी आपको रहेगी, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा वैसे ही। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने स्मूथ कर चुका हूँ और इसको सिंपली यहाँ से करता हूँ डन, और यहाँ से भी इसको कर देते हैं डन। तो इसके बाद आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा हमारा फेस स्मूथ हो चुका है और कुछ भी हमारे फेस में ऐसा लग नहीं रहा है जहाँ पे स्मूथ नहीं हुआ। तो सिंपली यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ये टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है और मेन काम आपको यहीं पे है, ठीक है। तो एडजस्ट में जाना है और उसके बाद आपको क्लियरिटी पे जाकर थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है, ठीक है। तो आप क्लियरिटी जैसे ही बढ़ाओगे काफ़ी अच्छी हमारी फ़ोटो में क्लियरिटी आएगी। क्लियरिटी के साथ ये डार्क डार्क जो आ रहा है आइज़ के पास भी डार्क हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको हम अब भी क्लियर कर देंगे। तो इतना करने के बाद, क्लियरिटी बढ़ाने के बाद, आपको सेकंड ये वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, ये शेडोज वाले ऑप्शन पे, और हल्का सा आपको शेडोज को बढ़ा देना है ताकि आपको जो ब्लैक ब्लैक पार्ट हुआ है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये फ़ोटो में हो चुका है क्लियर, और ज़्यादा भी नहीं करना है यार, फ़ोटो ख़राब लगेगी। तो सिंपली इतना कर देते हैं। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि यार आपके कपड़े वगैरह शर्ट या कुछ भी आपने पहना हो उसमें अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप इसको सिंपली इरेज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको शर्ट पेज से इरेज कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ डन, यहाँ से कर देते हैं डन। तो सिंपल इतना सा काम था हमारे पिक्सार्ट में। और उसके बाद यहाँ से पिक्सार्ट को अभी बंद करते हैं और ये वाली फ़ोटो कर लेते हैं सेव, और इस फ़ोटो को ओपन करते हैं हम हमारे लाइटरूम में। तो गाइस ये रही हमारी फ़ोटो जिसको हमने लाइटरूम में ओपन कर लिया है। तो इस फोटो को आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा कुछ ये वाले ऑप्शन में जाना है
और शार्पनिंग वाला, जो ये शार्पिंग वाला जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसको जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे आपकी फ़ोटो में क्लियरिटी आती रहेगी। तो देखते हैं हम करके। तो ये देखो मैंने थोड़ा सा ही किया है और उसके बाद आपके सामने रिजल्ट, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे इतना 40 के आसपास और काफ़ी अच्छी हमारी फ़ोटो लग रही है और काफ़ी अच्छी शार्पनेस है, टेक्स्चर है फेस में और काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और उसके बाद तो यार भाई क्या ही फ़ोटो लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर आप चाहते हो ऐसे ही नई वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं डेली नए नए अपडेट्स देते रहता हूँ। और ये वाली वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक के लिए बाय।